नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपेश श्रीवास्तव है और ये मेरा पहला गिटार YouTube वीडियो ट्यूटोरियल है। इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ चुरा लिया है तुमने जो दिल को, इस गाने का गिटार कॉर्ड्स और स्ट्रमिंग पैटर्न। ये वीडियो उन व्यूअर्स के लिए बहुत ही खास है जिन्होंने अभी अभी गिटार सीखना शुरू किया है और बेसिक गिटार कॉर्ड्स की ट्रेनिंग ले ली है। जिनको बेसिक गिटार कॉर्ड्स आती है वो ये वीडियो जरूर देखें, क्योंकि इससे उनको अपने गिटार प्रोग्रेशन की, गिटार कॉर्ड्स प्रोग्रेशन की और स्ट्रमिंग की प्रॉपर प्रैक्टिस अगर वो साथ में खुद गा के या किसी गाने के कंपनी किसी गाने को एकम्पनी करते हैं तो उसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी उनकी। तो और अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस भी आपको मिल सकें और आप देख सकें उसको। और अगर आपको कोई गाना देखना हो, अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई गाना अपलोड करूं आपके पसंद का, जिसको आप सिंपल तरीके से जिसकी गिटार कॉर्ड्स और स्ट्रमिंग पैटर्न सीख सके, तो वो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं बहुत जल्दी ही उस पर रिवर्ट करूंगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं, लेकिन उसके पहले इस गाने का मैं बता दूं, सिर्फ 3 कॉर्ड हम लोग यूज करेंगे, ए माइनर, जी मेजर और ई मेजर। सिर्फ 3 कॉर्ड्स पे ये गाना चलेगा। मैं फिर से बता देता हूं, ए माइनर, जी मेजर और ई मेजर। स्ट्रमिंग पैटर्न जो सिंपल वाला है, जो बिगनर्स के लिए है, वो 2 तरह का स्ट्रमिंग पैटर्न मैं बताऊंगा, एक बिगनर्स के लिए और एक जो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है जिनके प्रैक्टिस थोड़ी सी अच्छी हो गई है। तो बिगनर्स वाला स्ट्रमिंग पैटर्न चलेगा, डाउन डाउन डाउन, 2 बार डाउन थम से, फिर हल्का सा पॉज देके तीसरा डाउन फिंगर से नेल को यूज करते हुए डाउन डाउन। ये स्ट्रमिंग पैटर्न पूरे गाने में चलेगा और 3 कॉर्ड्स का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, साइड स्क्रीन पे आपको कॉर्ड्स जहां जहां पे चेंज होगी वो भी लिख के आ जाएगा, आप देख सकते हैं अपने साइड स्क्रीन पे। तो आपको साथ में प्रैक्टिस करने में ज्यादा आसानी होगी, क्योंकि जहां जहां कॉर्ड्स चेंज होगी वहां साइड स्क्रीन पे लिख के आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, चुरा लिया, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। ले लिया लेकर मुझको ना बहलाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना। ये था इस गाने का स्टार्ट, जिसमें आपने देखा बहुत ही सिंपल तरीके से ए माइनर, जी मेजर और ई मेजर का इस्तेमाल किया है और स्ट्रमिंग पैटर्न बहुत ही सिंपल है, डाउन डाउन डाउन, 2 बार डाउन थंब से और 1 बार डाउन फिंगर से नेल को यूज करते हुए। अब इस गाने को अंतरे पे हम लोग आते हैं, इस गाने का अंतरा, जाऊंगा लुट करके तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हसी लबों की लाली को, सजाऊंगा लुट करके तेरे बदन की डाली को, लहू जिगर का दूंगा हसी लबों की लाली को, है वफा क्या इस जहां, एक दिन दिखला दूंगा मैं दीवाना, चुरा लिया है तूने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम। तो ये बहुत सिंपल पैटर्न था कॉर्ड का, स्ट्रमिंग पैटर्न था सिंपल। अब एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रमिंग पैटर्न पे मैं बताऊंगा, जिनकी प्रैक्टिस अच्छी है वो लोग आराम से बजा लेंगे, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। ये चलेगा डाउन अप अप डाउन अप
down, up, up, down, up, 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 down. ये पैटर्न चलेगा, बहुत ही सिंपल है, कॉर्ड वैसे ही रहेंगी जैसे वो पहले चेंज हो रही थी, बस खाली स्ट्रमिंग पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इस गाने का भी मैं बजा के आपको दिखा देता हूँ। चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, कहीं बदल ना जाना सनम, ले लिया दिल है मेरा दिल, आए दिल लेकर मुझको ना बहलाना, चुरा लिया है तुमने जो दिल को, नजर नहीं चुराना सनम, बदल के मेरी तुम जिंदगानी, तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पैटर्न था, हालांकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं, आप इसको भी ट्राई कर सकते हैं, लेकिन जो एकदम बिगनर्स हैं उनके लिए सिंपल पैटर्न डाउन 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 इसको चलाएं। और अगर और सबसे जरूरी चीज जो मैं भूल गया बताना, इस गाने का स्टार्ट ट्यून बहुत जरूरी है, अगर आप इसको देख लेंगे, अगर आप इस गाने को बजाएंगे, इस गाने की स्टार्ट ट्यून को बजाएंगे, तो उसको शुरू करते ही वो गाना पूरी जो लोग भी बैठे हैं सुनने के लिए उनके दिमाग में अपने आप आ जाएगा कि आप कौन सा गाना करने वाले हैं, और वो स्टार्ट ट्यून है। ये बहुत ही सिंपल ट्यून है और बहुत ही मेलोडियस है, ए माइनर कॉर्ड से ये गाना है, ए माइनर से ही ये ट्यून निकलेगी, ए माइनर प्रेस करना है और फोर्थ थर्ड और फर्स्ट और सेकेंड स्ट्रिंग दो बार और फिर थर्ड स्ट्रिंग, फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड फोर्थ फोर्थ थर्ड फर्स्ट सेकेंड सेकेंड थर्ड। सेकेंड स्ट्रिंग जो दूसरी बार बजेगी तो वो ओपन कॉर्ड बजेगी, यहां से आपकी फिंगर ये हट जाएगी और ये ओपन कॉर्ड बजेगी, बाकी सब वैसे ही बजेगी, फोर्थ थ्री वन टू थ्री फोर थ्री वन टू थ्री। तो आपको साइड स्क्रीन पे लिखा हुआ दिख भी जाएगा कि कैसे ही बजाना है, ए माइनर दबा करके फोर थ्री वन टू टू थ्री। जब दूसरी बार जब सेकेंड स्ट्रिंग बजेगी तो वो ओपन कॉर्ड बजेगी, बाकी सब ऐसी बजेगी। इसको दो बार इस तरह से प्ले करेंगे और एक तीसरी बार इस पूरे प्रोग्रेशन को दो बार इस तरह प्ले करेंगे और तीसरी बार सारी फिंगर हटा करके सिर्फ सेकेंड स्ट्रिंग की सेकेंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट दबा करके सेकेंड स्ट्रिंग का फर्स्ट फ्रेट फर्स्ट फिंगर से दबा करके आप इसको बजाएंगे। फोर थ्री वन टू टू थ्री उसी तरह बजेगा, एक बार सेकेंड स्ट्रिंग एक बार कॉर्ड दबा करके एक बार ओपन ओपन स्ट्रिंग बजेगा। तो ये पूरा अगर इसको चार बार बजाना है गाना शुरू करने से पहले, अगर चार बार इसको बजाएंगे तो कुछ इस तरह से आएगा। दो बार सिंपल तरीके से बजाएंगे, एक बार सारे फिंगर हटा करके सिर्फ सेकंड स्ट्रिंग प्रेस करके फर्स्ट फ्रेट पे प्रेस करके बजेगी और तीसरी बार फिर नॉर्मल तरीके से बजेगी। तो फिर से मैं एक बार दिखा देता हूं। चुरा लिया कहीं
बहुत ही सिंपल गाना है, बहुत ही सिंपल तरीके से प्ले हुआ है। अगर आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा। और अगर ये मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जिससे आने वाले टाइम में मैं और भी गाने जब अपलोड करूं तो आपको मिल सके वो। और नोटिफिकेशन बेल पे जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जैसे ही मैं कोई वीडियो पोस्ट करूं आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उसको देख सकिए। और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि आने वाले टाइम में मैं बिगनर्स का गिटार कोर्स, जिन्होंने जिनको बिल्कुल गिटार नहीं आता है, जो गिटार सीखना चाहते हैं और गिटार के बारे में कुछ नहीं जानते, उनके लिए मैं बिगनर्स कोर्स स्टार्ट करने वाला हूं बहुत ही जल्द। तो अगर आप गिटार सीखना चाहते हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि जो गानों की कॉर्ड्स मैं सिंपल तरीके से या अलग अलग वेरिएशन से अपलोड करूंगा, उसके अलावा मैं एक बिगनर्स कोर्स बहुत ही जल्द स्टार्ट करने वाला हूं। तो आप प्लीज मेरे चैनल को फॉलो जरूर करिएगा। थैंक यू।